उज्जैन के राजा भोज को उनकी प्रजा सूचित करती है कि एक चरवाहा गांव के एक टीले पर बैठकर ज्ञानवान बातें कर रहा है और वो उनकी जगह लेना चाहता है। राजा भोज उसी वक्त टीले के लिए निकल पड़ते हैं। चरवाहा राजा भोज को बताता है कि उस टीले पर जो कोई भी गया है उसके साथ अजीब घटनाएं घटती हैं। राजा भोज रात में उस टीले पर पहुंचते हैं और उन्हें एक दिव्य एहसास होता है। वो उसकी खुदाई करवाते हैं पर असफल होते हैं, किंतु हार न मानते हुए राजा भोज फिर उस टीले पर पहुंचते हैं और अकस्मात ही उसमें समा जाते हैं, जहां उन्हें एक सिंहासन दिखाई देता है। अब आगे। अवश्य कोई दिव्य सिंहासन, यही कारण है टीले पर होने वाली चमत्कारी घटनाओं का। राजन, राजन। कौन?
चौंकिए मत राजन, मैं आप ही की राह देख रही थी पिछले 1100 वर्षों से। आइए पधारिए। आप और मेरी राह, और वो भी पिछले 1100 वर्षों से। देवी मैं कुछ समझा नहीं। अभी तो आए हैं, समझ जाएंगे। आप बस इतना समझिए कि व्यक्ति समय और भाग्य का दास होता है। उपयुक्त समय आया तो भाग्य ने आपको यहां तक पहुंचा दिया। अब इससे आगे आपके उद्देश्य तक आपको आपका कर्म ले जाएगा। कर्म का धर्म जग में अति महान, जो न समझे इसके मर्म को वो व्यक्ति मूर्ख महान। देवी परंतु आप हैं कौन? आपका परिचय? रहस्य का भंवर बहुत तेज और गहरा होता है राजन। रहस्य के भंवर से निकलना सहज नहीं होता। रहस्य को समझने के लिए धीरज, धर्म, बलिदान, त्याग, शौर्य, साहस और पराक्रम जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। तो बताइए, क्या आप में हैं ये सारे गुण? गुणों का पता तो परीक्षा से चलता है देवी, लेकिन परिचय तो बताने से ही पता चलेगा ना। बहुत जिज्ञासा है आपको मेरे विषय में जानने की, नहीं? अभी आप ही ने मुझसे कहा कि मेरे आने की प्रतीक्षा आप पिछले 1100 वर्षों से कर रही, तो जिज्ञासा तो स्वाभाविक है ना। इसके अलावा और कोई कारण है ना देवी? पिछले 1100 वर्षों की बीती बातें आप कहेंगी और मैं सुनूंगा। माया में खोया, माया में लिप्त, माया में रचा बसा ये संसार। सबको दिखता सच, पर ये सारा जग माया का भ्रम जाल। देवी मैं कुछ समझ नहीं पाया। क्या रहस्य? नहीं, आपका परिचय? हाँ। मेरा नाम महामाया है, मैं रक्षिका हूँ यहाँ की। किसकी? इस स्थान की या फिर इस सिंहासन की? केवल सिंहासन कहना इस सिंहासन का अपमान होगा राजन, क्योंकि ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है। ये न्यायप्रिय चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का अति असाधारण सिंहासन है। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य? देवी लेकिन ऐसी क्या विशेषता है सिंहासन में? विशेषता यह है कि न्याय का सिंहासन है। सिंहासन बत्तीसी, जिसे देव राजेंद्र ने पृथ्वीलोक के महापराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य के न्याय से प्रसन्न होकर स्वयं उन्हें भेंट दिया था। एक मनुष्य के न्याय से प्रसन्न होकर देवताओं ने एक ऐसा अनोखा उपहार भेंट किया? प्राचीन समय की बात है, जब सूर्य देव और शनि देव में श्रेष्ठता को लेकर घोर विवाद हो गया, और उस विवाद के निपटारे के लिए सभी ग्रह पहुंच गए इंद्र के दरबार में। इंद्रदेव, आज आपको निर्णय करना ही होगा कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, मैं या सूर्यदेव। शनिदेव, इसमें कोई संदेह नहीं कि सृष्टि के नियमों के अनुसार सूर्यदेव ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सभी ग्रहों के स्वामी है। सोच क्या रहे हैं इंद्रदेव?
उत्तर दीजिए, कौन श्रेष्ठ है, मैं या सूर्यदेव? इंद्रदेव, हम आपसे एक बार फिर पूछ रहे हैं, आज आपको निर्णय करना ही होगा कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। सोच क्या रहे हैं इंद्रदेव, निर्णय दीजिए कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, मैं या फिर सूर्यदेव? इंद्रदेव के सामने धर्म संकट था। गलत निर्णय वो ले नहीं सकते थे और सच कहने का उनमें साहस नहीं था। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव में इतना साहस नहीं था। शनि के क्रोध का भय था उन्हें, इसीलिए इंद्रदेव ने श्रेष्ठता के विवाद के निर्णय के लिए न्यायप्रिय राजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को आमंत्रित किया। उस काल में पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक सशरीर जाने वाले एकमात्र वही राजा थे, न्यायप्रिय चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। इंद्रदेव, प्रणाम। इंद्रदेव पधारिए। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, इंद्रलोक में आपका स्वागत है। धन्यवाद इंद्रदेव, किंतु इस प्रकार हमें यहाँ पे बुलाने का कारण क्या है इंद्रदेव? निर्णय सम्राट। कैसा निर्णय? सूर्यदेव और शनिदेव के बीच उठे श्रेष्ठता के विवाद का निर्णय। आप निश्चिंत रहे, न्याय निष्पक्ष होगा। तो क्या निष्पक्ष न्याय किया सम्राट विक्रमादित्य ने? जितने प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य अपने पराक्रम, त्याग और उदारता के लिए थे, उससे अधिक प्रसिद्धि उनके न्यायप्रियता के गुण की थी। इसका अर्थ कि सम्राट विक्रमादित्य ने आतुर शनिदेव को अपना निष्पक्ष निर्णय सुनाया। शनिदेव, सूर्यदेव ही सभी ग्रहों के पालक हैं तथा आपके भी, और आप तो उनके पुत्र हैं, और पुत्र का पालक तो पिता ही होता है। इसका अर्थ सूर्यदेव ही सबसे श्रेष्ठ है सभी ग्रहों से भी और आपसे भी। नहीं विक्रमादित्य, नहीं, हम आपका यह न्याय नहीं मानते। अपना न्याय बदल दीजिए, इसी में आपका हित है, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। न्याय के सिंहासन पर बैठने वाले को परिणाम की चिंता नहीं होती शनिदेव, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, निष्पक्ष न्याय। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, तुम्हें तुम्हारा न्याय बहुत भारी पड़ेगा। दृष्टि जिस पर पड़ती है वो मिट जाता है,
हमें सच के लिए मिटना स्वीकार है शनिदेव। तो आज से तुम पे मेरी साढ़े साथी शुरू। शनि ने अपने क्रोध को साढ़े साथी के रूप में दिखाना प्रारंभ कर दिया। फल यही हुआ कि धीरे धीरे सम्राट विक्रमादित्य की अवस्था बिगड़ती चली गई, किंतु फिर भी लाख यातनाओं के बाद भी वे अपने न्याय से डिगे नहीं। इतना बड़ा अन्याय। सत्य के मार्ग में कांटे ही तो होते हैं राजन। पहले उनका राज गया, दर दर के भिखारी बने, चोरी का आरोप लगा, तब भी जब वो अपने न्याय पर अटल रहे तो शनिदेव अपने क्रोध की सीमा पार कर गए और सम्राट विक्रमादित्य उनके कोप से हो गए लाचार असहाय। किंतु केवल शरीर से, तेज और आत्मबल से नहीं। तेज और आत्मबल वैसा ही था पहले जैसा। न्याय के पुजारी, अब तो तुम अपनी भूल समझ चुके होगे। शनिदेव, उचित न्याय कभी भूल नहीं होता, ना ही सत्य का पक्ष अपराध। अर्थात तुम अपना न्याय नहीं बदलोगे। आप चाहे बदले में मेरे प्राण ले लीजिए, पर निर्णय बदलने को ना कहे। हट भी इतना प्यारा होता है, ये आज हमने जाना। आप एक न्यायप्रिय राजा हैं, आपके निष्पक्ष न्याय ने आज हमें झुका दिया है सम्राट विक्रमादित्य। अब आप अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। विक्रमादित्य की जय हो। सम्राट विक्रमादित्य की जय हो। सम्राट विक्रमादित्य की जय हो। तो इसका अर्थ है कि विजय सत्य और धर्म की हुई। हाँ राजन, शनि देव का दंड वरदान बन गया। इंद्रदेव व सभी देवताओं ने सम्राट विक्रमादित्य के न्याय से प्रसन्न होकर उन्हें कुछ विशेष भेंट देने का निर्णय लिया, जिसका निर्माण कार्य किया देव विश्वकर्मा ने। बत्तीस देवताओं ने अपने बहुमूल्य गुण दिए और उन्हीं गुणों से 32 पुतलियों की रचना हुई। सिंहासन पर स्थापित देव कुबेर की ये 32 अप्सराएं सदा इस सिंहासन की रक्षा करें।
और इस प्रकार उस दिव्य सिंहासन में सभी देवों के गुण आए, जिसे लेकर सभी देवता चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के पास आए। प्रणाम इंद्रदेव, प्रणाम सूर्यदेव। ये सब क्या है इंद्रदेव? सम्राट विक्रमादित्य, ये हम देवों की ओर से आपको एक उपहार है। ये 32 गुणों को धारण करने वाली 32 पुतलियां हैं, जो सदा इस सिंहासन में वास करेंगी तथा न्याय करने एवं समस्याओं के समाधान में सदा आपकी सहायता करेंगी। इन पुतलियों के कारण ही यह सिंहासन पूरे संसार में सिंहासन 32 के नाम से जाना जाएगा। अब आप अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। सम्राट, अब आप अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। सम्राट विक्रमादित्य की जय हो। 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 सम्राट विक्रमादित्य की जय हो।
अवश्य कोई दिव्य सिंहासन। यही कारण है टीले पर होने वाली चमत्कारी घटनाओं का।